श्रीमद् भगवद गीता यथारूप इस्कॉन की बुक है। ये इस्कॉन में जो प्रभुपाद ने परपोट लिखा है वो इसमें है। वैसे भगवद गीता सब जगह की एक जैसी होती है, सब में 700 श्लोक होते हैं और 18 अध्याय होते हैं। तो वीडियोस में मैं शुरू से बनाना शुरू कर रही हूँ और शॉर्ट्स में श्लोका रैंडमली डाल रही हूँ। तो ये है भगवद गीता, अंदर में यहाँ लिखा है गीतोपनिषद। गीता और उपनिषद दो शब्द को जोड़ेंगे तो हो जाएगा गीतोपनिषद। संस्कृत में इसे संधि कहते हैं। जब एक से ज्यादा शब्दों को जोड़ा जाता है तो उस जोड़ने की क्रिया को संधि कहते हैं, ठीक है। और जब तोड़ा जाता है तो उसे विच्छेद कहते हैं, संधि विच्छेद। तो ये गीतोपनिषद है, अर्थात ये एक उपनिषद है। व्यासदेव जी ने लिखे हैं सारे शास्त्र, तो 108 उपनिषद हैं। ये है गीतोपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता। भगवत यानी भगवान के द्वारा बोला गया गीत, भगवान ने एक गीत गाया है तो इसलिए गीता, भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। यथारूप अर्थात जैसा बोला है भगवान ने वैसा ही। तो श्रील प्रभुपाद हैं, श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इसे लिखा है। अर्थात सारे श्लोक भगवत गीता के वैसे ही हैं, परंतु उसका शब्दार्थ तात्पर्य इत्यादि उन्होंने लिखा है। तो मैं आपको अब यहाँ पे लिखा है, समर्पित किया गया है इस ग्रंथ को श्रील बलदेव विद्याभूषण को। हाँ, क्योंकि बलदेव विद्याभूषण एक हमारे परंपरा के बहुत बड़े आचार्य हैं, जिनकी जीवनी मैंने आपको बताया है ऑडियो लेक्चर में। और ये गोविंद भाष्य के प्रणेता हैं, ठीक है। तो इनको श्रील प्रभुपाद ने अर्पित किया है। अब यहाँ जो अंदर ग्रंथ में जितने चैप्टर्स के नाम हैं हम देखेंगे। पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, दूसरा गीता का सार, तीसरा कर्मयोग, चौथा दिव्य ज्ञान, पांचवा कर्मयोग यानी कृष्ण का भावनामृत कर्म, छठा ध्यान योग, सातवां भगवत ज्ञान, आठवां भगवत प्राप्ति, नवां परम गुह्य ज्ञान, दसवां श्री भगवान का ऐश्वर्य, ग्यारहवां विराट रूप, बारहवां भक्ति योग, तेरहवां प्रकृति पुरुष और चेतना, चौदहवां प्रकृति के तीन गुण, पंद्रहवां पुरुषोत्तम योग, सोलहवां दैवी तथा आसुरी स्वभाव, सत्रहवां श्रद्धा के विभाग, अठारहवां उपसंहार। तो ये हो गए उपसंहार यानी संन्यास की सिद्धि। तो ये हो गए हमारे 18 अध्याय। तो हम आमुख और ये सब नहीं पढ़ेंगे, ये प्रणति है तो इसमें भी बहुत समय जाएगा। तो सीधे हम श्लोका पढ़ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, राधा रानी की जय, श्रील कुंज बिहारी भगवान, वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो पहला अध्याय और उसका पहला श्लोक, उसके पहले एक चीज हमें देखना चाहिए, यह है गुरु परंपरा। हमारी जो परंपरा आ रही है वो भगवान कृष्ण से आ रही है। भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के शिष्य हुए नारद मुनि, फिर उनके शिष्य व्यासदेव, फिर मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अक्षोभ्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, छेव भाई, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास, कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ये बलदेव लिखा है, मुझे नहीं पता बलदेव विद्याभूषण है या कोई और है।
जो भी हो तो ये हमारा है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान लेने पर ज्ञान हमें सही मिलता है। अब यह है पहला अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, अर्थात कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला है। युद्ध स्थल वो स्थान जहां युद्ध होगा, और वो स्थान कौन सा है? कुरुक्षेत्र, कुरु वंश का क्षेत्र है ये। ये कुरु जो कौरव थे उनके वंश का नाम है कुरुवंश, और ये जगह जो थी वो कुरुक्षेत्र कहलाती थी। वहां पर युद्ध भूमि में दोनों सेना आमने सामने खड़ी है, और वहां निरीक्षण के लिए दोनों सेनापति खड़े हैं दोनों पक्ष के। तो इसीलिए अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो देखिए 6 मिनट हो गया है हमारा सिर्फ स्टार्ट करने में, अर्थात अभी शुरू नहीं हुआ है। अब हमारा पहला श्लोक आ गया है। धृतराष्ट्र उवाचा। धृतराष्ट्र आपको पता है, धृतराष्ट्र थे कुरु के, कुरु यानी कौरव जो 100 भाई थे जिन्हें कौरव कहा जाता है, उनके ही पिता धृतराष्ट्र। और वो कह रहे हैं, उवाचा यानी बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र उवाचा। तो धृतराष्ट्र कौन हो गए? पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे। पांडु के 5 पुत्र हुए जिन्हें हम पांडव कहते हैं, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जिन्हें हम कौरव कहते हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं अपने सेनापति संजय से। सेनापति नहीं, जो उनका रथ चलाता था उससे पूछ रहे हैं, रथ चलाने वाले से पूछ रहे हैं। संजय उसका नाम है। कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम् अकुर्वत् संजय। अभी देखिए ये जो जगह है यह है कुरुक्षेत्र, जैसा कि आपने यहां पर भी देखा, यही कुरुक्षेत्र में समवेता यानी इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं। किस लिए जमा हुए हैं? युयुत्सवः, युद्ध करने की इच्छा से। और ये कुरुक्षेत्र को ही धर्मक्षेत्र भी कहते हैं। कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम है धर्मक्षेत्र। तो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव, कुरुक्षेत्र जिसे धर्मक्षेत्र भी कहा जाता है, वहां पर युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए हैं। कौन इकट्ठा हुए हैं? मामकाह। मामकाह यानी देखिए, आप देखिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, मेरे पक्ष के लोग यानी मेरे पुत्र। मामकाह पांडवाह यानी पांडु के पुत्र, पांडवाह पांडु के पुत्र। च जो होता है, च का अर्थ होता है और, तथा दो पक्ष के लोग जमा हुए हैं, एक पांडव और एक धृतराष्ट्र के पुत्र जिनको कौरव कहते हैं। पांडव और कौरव दोनों जमा हुए हैं। वो किम अकुर्वत, हे संजय, संजय तो नाम है उसका जिससे पूछ रहे हैं, सारथी जिसको कहा जाता है इनके रथ को चलाने वाला। किम अकुर्वत, क्या किया दोनों पक्ष के जो लोग जमा हुए हैं युद्ध करने की इच्छा से, वो अभी क्या कर रहे हैं या उन्होंने अभी तक क्या किया? ये है इस श्लोक का अर्थ। ठीक है, तो बहुत बड़ा वीडियो नहीं हो इसलिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में अगला श्लोक, और तब ज्यादा श्लोक होंगे क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन में बहुत समय लग गया। ये वीडियोस आप लाइन से सुनेंगे और देखेंगे, तो आपको यदि किसी को भी फॉरवर्ड करना है तो शुरू से ही सारा वीडियो फॉरवर्ड करिएगा, लाइक अवश्य करिएगा। श्रील प्रभुपाद की जय।